नमस्कार मित्रों, इंडिया 365 लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सुरेश दादा जैन साहब के यहाँ पर, जो किसी परिचय के किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पूर्व आमदार है, पूर्व मंत्री है, और सबसे बड़ी बात है कि हालिया दौर में एसडी सीट का स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़े दानी महात्मा हैं, ज्ञानी महात्मा हैं। ऐसे सुरेश दादा जैन साहब का 75th अर्थात 75वां बर्थडे समारोह कल होने जा रहा है। इसी पूर्व संध्या पे हम उनसे करते हैं खास बातचीत, क्योंकि ये साल अमृत महोत्सव ही है, इस वजह से दादा के लिए खास खुशियाँ लेकर आए हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन के 75 बसंत आपने देख लिए हैं और अमृत महोत्सव ही ये साल है, किस तरह से ये साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आता है? हालांकि हम जानते हैं, जलगांवकर जनता जानती है कि सेलिब्रेशन में आप खुद विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी चाहने वालों का एक प्यार होता है, आपके ऊपर एक अधिकार है, तो आते हैं, वो सेलिब्रेशन करते हैं, मनाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, भगवान की कृपा है और लोगों के आशीर्वाद से 75 साल मैं पूरे कर रहा हूँ कल। और ये अमृत महोत्सव, वैसे तो मैं हर साल जन्मदिन होता है, मगर मैं स्वयं वो मनाने के इच्छुक नहीं रहता हूँ, मगर कार्यकर्ते मानते नहीं हैं और इसलिए वो बड़े प्रमाण में ये उत्साह मिलने को आते हैं और ये उत्साह उनको बड़ा खुशी देता है। मैं भी उनके खुशी में शरीक होना चाहता हूँ, क्योंकि साल भर वो हमारे साथ में काम करते रहते हैं सार्वजनिक जीवन में, तो मैं तो भगवान का बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म देकर और 75 साल मेरे बड़े खुशी से और सामाजिक काम में जहाँ पर मेरे रुचि रही उसको हर वक्त साथ दिया, इसलिए मैं जनता का आभारी हूँ, भगवान का भी आभारी हूँ। दादा, जब आप पीछे पलट कर देखते हो अपने अतीत को, तो निश्चित रूप से ये तो हम भी सोचते हैं, हम भी आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो आप किस तरह से समराइज़ करना चाहोगे पिछले 75 वर्षों के अपनी ज़िंदगी को? जीवन में तरह तरह के सुख और दुख आए, कभी परीक्षा की घड़ी आई, कभी इम्तिहान की घड़ी आई, लेकिन सुरेश दादा जैन ये एक व्यक्ति जो स्वयं एक राजनेता के रूप में, एक फाइटर के रूप में अपने जीवन काल को किस तरह से देखता है? नहीं, मैंने जब मैं पिछले 75 साल को देखता हूँ तो मुझे खूब समाधान होता है कि भाई हमको भगवान ने ऐसे घर में जन्म दिया जहाँ पर सब कुछ है, और जब मैं आम जनता के तरफ और नीचे के जनता के तरफ देखता हूँ तो उनके दुख को देख के मुझे बड़ी परेशानी होती रहती है कि इनके जीवन में अगर जो भी कुछ अपन आनंद ला सके और कुछ कर सके, सहकार्य करने के दृष्टि से हो, उनके जीवन में आनंद आने के दृष्टि से हो, वो काम हमने करना चाहिए और वो करने का प्रयास पिछले 75 साल से बराबर करते आए हैं, और उसका खूब खूब आनंद और समाधान है कि जिसके लिए भगवान ने हमको जन्म दिया वो स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, मगर अन्य दुखी समाज को या अपने जो भी अड़चन में हैं लोग, उनको जो कुछ अगर सहकार्य हम कर सके तो निश्चित रूप से एक बहुत समाधान मिलता है, और उसी के माध्यम से ये SDCD या जो शिष्यवृत्ति का काम हमने किया या आम मदद के संदर्भ से भी जो भी कुछ मैं करते आया, मुझे उसकी बहुत खुशी है। दादा, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे हम। 75 वर्ष आप पूरे कर चुके हैं और हम सभी की और आपके चाहने वालों की सभी की ये कामना है, दुआएं है, आशा है कि आप जीवन के 100 वर्ष पूरे करें। ऊपर वाला आपको पूरे 100 साल जीने का अवसर देता है, तभी ये 25 सालों में आप क्या करना चाहेंगे? थोड़ा देखा जा रहा है कि राजकारण से आप थोड़े अलिप्त है, थोड़ा सियासत से आप थोड़े दूर हुए और समाजकारण की तरफ आपका बहुत ज़्यादा भी रुझान है, तो अपनी जो आयु आगे की आयु है उसमें आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, उम्र कितनी रहेगी वो तो उसके ही हाथ में है, मगर आज तो भगवान की कृपा से अच्छी हेल्थ है और राजकारण भी काफ़ी कर लिया, 40 साल करीब करीब राजनीति में मैं रहा और 9-10 चुनाव लड़े, लोगों ने खूब आशीर्वाद देके चुन के दिया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि राजनीति से हटके जो समाज के काम हैं या राजनीति में भी जो कुछ आगे जाने वाले लोग हैं
वो तरुण मंडली को आशीर्वाद देके उनको आगे लाना और इस गांव का, इस जिले का, इस महाराष्ट्र में जो भी अपने से बन सके वो अच्छे से अच्छे काम अगले सालों में, अगले दिनों में करना, यही एक अपना संकल्प है। बच्चे अच्छे प्लेस है, सब घर में आनंद है, सब खुशी है, तो हाँ सब खुशी है। और इसलिए जो भी कुछ मेरा दायित्व है समाज के प्रति वो ऐसा ही आगे चलता रहे, यही मैं भगवान से अपेक्षा करता हूँ और उसी के लिए लोगों के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वो निश्चित रूप से मिलेगा और जितना भी मेरे से बन सकेगा अगले सालों में वो ज़रूर करते रहूँगा। मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने पहले कह दिया था अंतिम प्रश्न है, लेकिन अचानक मन में एक प्रश्न नहीं है लेकिन एक राज जानना चाहता हूँ, एक रहस्य जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में भी इतना ज़बरदस्त फिटनेस, इतनी भाग दौड़, चलना फिरना, सभी प्रोग्राम को अटेंड करना, देर रात तक काम करना, सुबह जल्दी उठ जाना, तो कहाँ से ये इतनी सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है, ये वो कौन सी प्रेरणा है जिसे सुरेश दादा जैन फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अपने आप को फिट पाते हैं। हमने देखा था जब चुनाव के दौरान जब आप चलते हैं प्रचार सभा में तो आप चल रहे होते और बाकी कार्यकर्ता लगभग दौड़ रहे होते आपके साथ में, और इतना होने के बाद भी शाम को आप सभाएं लेते थे, मीटिंग लेते थे, लोगों में मिलते जुलते थे पर्सनली, तो ये कहाँ से, ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये ऊर्जा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मिलती है। जब मैं उनके साथ में रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनको उनके सुख दुख में उनके में शरीक होता हूँ और कुछ करने का प्रयत्न करता हूँ, तो उनके आशीर्वाद जो है ना ये लोगों के, यही मुझे वो ऊर्जा देते रहते हैं। और वो ऊर्जा के साथ ही साथ मैं स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अच्छी आदतें, जीवन में जो भी अच्छे काम है, अच्छी आदतें, अच्छे विचार है, पॉजिटिव सोचना, अच्छा काम करना, अच्छा अपने से बन सके वो करना, बुरा जितना भी होगा उसको अलग रख के और उससे परे रह के जितना अच्छा अपने से बन सके वो करते रहना, यही एक मैंने अपने जीवन का एक रवैया बना रखा है। सुबह जल्दी उठना, घूमने जाना, व्यायाम करना, योगासन करना, जो भी आवश्यक बातें हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो करते रहा हूँ, करता हूँ और आगे भी करने की मेरी यही चेष्टा रहेगी। धन्यवाद दादा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपके हम आभारी है, और फिर एक बार हम कामनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं कि ऊपर वाला आपको 100 बरस की उम्र दे और उस माध्यम से आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। थैंक यू, थैंक यू।